Assalamualaikum नाज़रीन, वेलकम टू योर ऑन शो बूझो तो जीतो। मैं आपकी होस्ट अलीना हारून। आज हम हैं एक्सपो सेंटर में, जहाँ पे इवेंट हो रहा है सी लाहौर, और डेफिनेटली हम हैं लाहौर न्यूज़। तो सी लाहौर में जो है वो लाहौर न्यूज़ है, बहुत मज़ा आने वाला है। मगर क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, तो यहाँ पे बहुत रश है, हद से ज़्यादा जो है वो माशाल्लाह लोग आए हुए हैं। लेकिन क्योंकि इन्होंने एक बहुत अच्छी जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है, एक पूरा जो आप है देख सकते हैं राउंड है, तो बहुत मज़ा करने वाली हूँ, बहुत मस्ती करने वाली हूँ मैं यहाँ पे। लाहौर न्यूज़ की तरफ से, बूझो तो जीतो की तरफ से लोगों को बहुत सारे इनाम देने वाली हूँ। तो आए लोगों के साथ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नुमान। क्या करते हो? मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पे UOL में। और आज इधर क्या करने आए? सी लाहौर। मैं तो अनवर साहब को सुनने आया था, तो बाकी माशाल्लाह आपका जो न्यूज़ चैनल है उसको देखा, तो मैं तो इसका बड़ा फ़ैन हूँ, तो बड़ा इन्फॉर्मेटिव ये आपका सेगमेंट होता है माशाल्लाह, तो सोचा कि कुछ सवाल का जवाब ही दे। अनवर साहब को नहीं सुना? नहीं, वो आपकी जो खुशी में मैं आई वैसे सुने ही। चले कोई बात नहीं, आपसे थैंक यू, आपसे सवाल करते हैं। मुझे बताओ वो कौन सा जानवर है जिसकी सबसे ज़्यादा नस्लें ब्रीड्स हैं, सबसे ज़्यादा पालतू? पालतू में तो हम फिशेज भी वैसे रखते हैं, और इसकी जो इसकी बहुत कम लोग मोस्टली नहीं, वो देखो पालतू होता है, एक फिश है तो डेकोरेशन रखी जाती है मोस्टली। जी जी, वो प्रॉपर पालतू जानवर है उसको। डॉग्स में आई थिंक जो है, सोचो डॉग बताओ की ब्रीड है, और कैट्स की भी काफी ब्रीड, इन दोनों में से एक है बता दो। कैट्स। बिल्कुल गलत जवाब। क्या सुनाओगे? मैं दो इशार सुनाना चाहता हूँ। मैं तड़प तड़प के रोया, तेरी याद ने रुलाया, मेरे आंसुओं की कीमत ना चुका सका ज़माना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया ज़माना, मेरी तुझसे ज़िंदगी है कहीं तू बदल ना जाए। ये तो मैंने बड़ी पुरानी याद किया हुआ है, तकरीबन 9th में तो तब किया हुआ था, तब का याद है, मुझे नहीं पता। चलो जी, ये लो जी लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए। थैंक यू जी, बड़ा मज़ा आया। इन्होंने बिल्कुल सही जो है जवाब देते देते यू टर्न ले लिया और गलत जवाब दे दिया। मुझे लग रहा था सही जवाब दे देंगे। खैर, शेर भी अच्छे सुनाए, और ये जिनको सुनने के लिए आए थे स्पेशल यहाँ पर, जब इन्होंने देखा कि बूझो तो जीतो है, तो इन्होंने उधर से भी यू टर्न ले लिया और इधर आ गए, तो आई थिंक यू टर्न लेना इनकी आदत है, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम आकिब हमीद। क्या करते हो? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का स्टूडेंट हूँ। ओके, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्या करो इवेंट में? बस मैं वैसे ही विजिट के लिए आया था, ये टॉक शो और मुशायरे के लिए वो देखने आए थे हम। अच्छा जी, चले जी सवाल करते हैं आपसे, ठीक है जी। मुझे बताएं, मेरा आपसे क्वेश्चन है, वो कौन सा मुल्क है जिसकी जो झील है वो ऊपर के 3 फुट पानी मीठा है और नीचे से नमकीन है? इसके हवाले से मेरे जहन में नहीं आ रहा है। क्या शेयर करो? मैं एक फ़नी अशार आपको सुना देता हूँ। मैं फ़नी पोइम के चंद अशार आपको सुना देता हूँ, पंजाबी की है, और इसमें असी हैं पाकिस्तानी सानू नफरत है बेईमानी तो, हर कम करिए सुचा सुथरा रहिए दूर शैतानी तो, बच्चे दस के मझा वेचन सुचा काम कसाइया का, एक ब्लेड नाल 35 दाड़ियाँ मुनना कामे नाइया का, खोए बच्च रलाउंदे आलू वेखो कसब हलवाइया का, भावें हर शाय छेती बुस जे जरा जी बेध्यानी तो, असी हाँ पाकिस्तानी सानू नफरत है बेईमानी तो, हर कम करिए सुचा सुथरा रहिए दूर शैतानी तो। वेरी नाइस, लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू जी। इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो फ़नी पोइट्री हमें सुनाई है, जो कि अच्छी थी, क्योंकि पोइट्री तो हमेशा अच्छी लगती है, मगर जब उसमें थोड़ा सा फ़न आ जाता है ना, तो वो ज़्यादा एज अ जोक भी ली जाती है, एज अ फ़न भी ली जाती है। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? बशर अली। क्या करते हो? स्टूडेंट। क्या पढ़ते हो? BS फिजिक्स कर रहा हूँ, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस। अच्छा जी, माशाल्लाह। चले मुझे बताएं, वो कौन सा जानवर है जो रंगों में फर्क नहीं देख सकता? उल्लू। जानवर।
जानवर का नहीं पता है। ओ, 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 नहीं पता, वैसे मैंने गजल सुनानी है भाई। आज मुद्दत बाद दीदारे यार हुआ था, वही गलियां वही रस्ते जहां मुझे प्यार हुआ था। कैसे भूल जाऊं मैं अंजील सी आंखों को, उन्हीं नीम सी आंखों में तो मैं गिरफ्तार हुआ था। वो तो चला गया अपनी याद का दिलासा देकर, मैं ही रुसवा सरे बाजार हुआ था। तुम्हें देखा तो याद आए वो प्यार के बीते हुए दिन, जब प्यार के जज्बात का इजहार हुआ था। उस दौर से भटक भटक कर जी रहा हूँ, जिस दिन से बेवफा मेरा यार हुआ था। वेरी नाइस। ये किसका है शेर? ये नासर कादमी की है शायर। वेरी नाइस। पढ़ते रहते हो शेर और शायर? जी मेरा इंटरेस्टेड है वैसे, बहुत शौक है। हाँ, मैं जिले लेवल पे वैसे जीत भी चुका हूँ। लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। यू वेलकम जी। इन्होंने जो है वो हमें गज़ल सुनाई, और जैसा कि आपको पता है कि गज़ल जो है वो हमेशा से बड़ी अच्छी लगती है, और आज भी मुझे वो दिन याद है कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के एक कैंपस में गई थी, और वहाँ पे बच्चों ने जो है बहुत शेर व शायरी की थी, और उस दिन में इतना हंसी थी माशाल्लाह। आई डोंट नो हंसी क्यों थी, कुछ शेरों पे तो नहीं हंसी आनी चाहिए, मगर बहुत हंसी आई थी। तो मुझे उसी की जो है वो याद जो है ताज़ा हो गई है। देखते हैं बाकी और कोई क्या हमने सुना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हमाद। क्या करते हो? FS इंजीनियरिंग का स्टूडेंट। अच्छा जी, यहाँ पे क्यों आए हो आज? वैसे विजिट के लिए आया था दोस्तों के साथ। ओके, खाया क्या यहाँ पे आके? पिज्ज़ा। ओए होए, कहाँ पे मिल रहा है पिज्ज़ा? ये बैक साइड पे मिल रहा है। क्या प्राइस है? 150। स्मॉल? यस। कितना साइज है उसका? ज्यादा इतना करके इतना सा है, इतना सा है, इतना पैन पिज्ज़ा। हाँ, चलो रीजनेबल है, इतना महंगा तो नहीं है, अच्छा था जी। ओके, मुझे बताओ, मेरा आपसे सवाल है बेटा, वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे जो झील है उसका पानी ऊपर से मीठा है अंदर से नमकीन है, वो कभी मिक्स नहीं होता, ऊपर से 3 फुट मीठा है नीचे से नमकीन? अमेरिका। नहीं पता। और कोशिश करो। नहीं। तुम्हें अगर इतना ही पसीना आया हुआ तो तुमने जैकेट क्यों पहनी? जैसी डाली थी, अब पसीना आ रहा था। क्या सुनाना? शेर। खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। और मैं एक और मैसेज देना चाहूँगा कि हमें हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए हमारी सेफ्टी के लिए, ये किसी और की सेफ्टी नहीं है। थैंक यू। आप पहनते हैं? जी मैं जाता हूँ। ये लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। यू वेलकम जी। बच्चा था मगर उसने बहुत मैच्योर मैसेज दिया कि हेलमेट में कोई दूसरी राय नहीं है, कोई ग्रे एरिया नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए। आप हेलमेट पहन रहे हो, इससे ना तो हुकूमत या हमको किसी को कोई पैसा मिलना है, ना इससे किसी को कोई बेनिफिट होना है, ये सिर्फ आपकी हेल्प है। खुदा ना खास्ता आप गिरो, सर की चोट जो है वो जान ले लेती है। आपका अगर सर सेफ है ना तो आप बहुत सेफ हो, सो वाकई में हेलमेट पहनो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? गुलाम नबी अहमद। क्या करते हैं आप? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हैं? प्लांट पैथोलॉजी। ओके जी, चले मुझे बताएं, एक घर है उसको कंप्लीट करने में कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी? कंप्लीट करने में कितनी ईंटों की जरूरत पड़ती है, ये डिपेंड करता है कमरे कितने बनाने हैं। मैंने पूछा है घर को कंप्लीट करने में कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी, अब आपने खुद सोच। तकरीबन। सवाल पे गौर करो। एक घर को कंप्लीट करने में कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी? 50,000 तकरीबन। क्या सुनाओगे? क्या जी? क्या सुनाओगे? नाच सुनाओगे। तेरी जनाब के जैसी कोई जनाब नहीं, तुला जवाब है तेरा कोई जवाब नहीं। बना के उसने सरापा ये कह दिया रब ने, बना के उसने सरापा
ये कह दिया रब ने, तेरे शबाब के आगे कोई शबाब नहीं, तेरे शबाब के आगे कोई शबाब नहीं। अलावा इन्होंने बहुत प्यारी जो है वो नाच सुनाई, बेशक के नाच जो है हमेशा ही बहुत प्यारी होती है और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। डिफरेंट माहौल है क्योंकि मॉल में मैं मोस्टली जाती हूँ, तो यहाँ का थोड़ा सा एक्सपीरियंस डिफरेंट है। तो देखते हैं यहाँ पे मज़ीद आगे क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम बेटा? मयूम फहीम। मैं डॉक्टर सारा। डॉक्टर हैं? किस चीज़ की डॉक्टर हैं? मैं डायबिटीज़ मैनेजमेंट सेंटर में होती हूँ। वेरी नाइस। बेटा कौन सी क्लास में हो? 5। ओके जी। आज यहाँ पे कैसे आना हुआ? आज मम्मा लेकर आई थी यहाँ पे क्योंकि एग्जीबिशन थी, इसलिए। मज़ा आया? या वी आर ट्राइंग टू एंजॉय। ओके चलिए जी, मुझे बताएं, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि वो कौन सा वर्ड है जिसको हमेशा गलत लिखा जाता है, उसको हमेशा गलत लिखते हैं? आप बताएं, आपको मालूम है कौन सा वर्ड है? मेरा नाम गलत ही, यानी गलत को ही गलत लिखा जाता है? सोच लें, गलत को हम गलत ही लिखते हैं। चलें क्लैपिंग करें मम्मी के लिए। राइट आंसर, क्या शेयर करेंगे? शेयर क्या करूँगी मैं, आई एम बीइंग अ डॉक्टर। मरियम शेयर करेगी क्या मतलब? मैं टिप देती हूँ फिर आप उस पर एलाबोरेट कर लेना। सिंगापुर। ओके, व्हाट आई वांट टू से, मैं चूँकि डॉक्टर हूँ तो मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, एक टिप। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि चीनी जो है वो नहीं खानी चाहिए, उसका ऑल्टरनेटिव ये है कि गुड़ या शक्कर खाया जाए। तो एक जो बस जनरल एक मैं बात करना चाह रही हूँ कि हम ये याद रखें कि एक चम्मच चीनी और एक चम्मच गुड़, एक चम्मच शक्कर, एक ये चीन बराबर ही इनमें कैलोरीज होती हैं। तो हम बाज़ूकात शक्कर और गुड़ खाने के चक्कर में ज़्यादा खा जाते हैं कि ये शायद सेफ है, तो ऐसा नहीं है, ये तीनों में बराबर कैलोरीज होती हैं। बेटा लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए। थैंक यू। ये वेलकम जी। बिल्कुल है, वो इतनी हैरान हुई कि उनको ये चीज़ें शेयर करने पे गिफ्ट मिला। तो मैं हमेशा ये मेंशन करती हूँ कि लाहौर न्यूज़ ने वाकई में एक अमेजिंग स्टेप लिया हुआ है। यू गाइस जस्ट शेयर व्हाट एवर यू वांट टू शेयर, चाहे वो एक ऐसी बात हो जो मुझे 10 दफ़ा पता है, आप शेयर करो, लाहौर न्यूज़ आपको बुझो तो जीतो इनाम देगा। सो कम एंड शेयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? दाऊद सुलेमान। क्या करते हो? मैं एमफिल फूड साइंस का स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। यहाँ पे कैसे आना? यहाँ पे सी लाहौर में वॉलंटियर हूँ। ओके गुड। चलो जी सवाल करें। जी करें। मुझे बताओ वो कौन सा चूहा है जिसकी सिर्फ 2 टांगे हैं? सब चूहों की 2 टांगे, 4 पैरों वाला चूहा नहीं होता, माउस भागता है जो? दो चूहे, नहीं पता। क्या सुनाओ? गाना। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है, हो क्यों एक पल की भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना। आ जाना तू मेरे पास, दूंगा इतना प्यार मैं, इतनी रात गुजारी है
तेरे इंतजार में कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे मैंने खुद से भी ज्यादा तुझे चाहा है आज की रात न जाना तू सावन आया है तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया जी हमने जो है एक गाना सुना इनसे. आवाज़ तो खैर इतनी इनको खास नहीं थी लेकिन इनको जो है वो पूरा गाना याद था. मुझे लगता है पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छे होंगे जितने मज़े से इनको जो है वो पूरा गाना याद था. जी नाज़रीन टाइम हो गया है एक ब्रेक का. सुबह सेवर ब्रेक.